रक्षाबंधन क्या है और क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का आधुनिक महत्व। रक्षाबंधन हिंदू समाज में मनाया जाने वाला भाई बहन का मुख्य त्योहार है और रक्षाबंधन के त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है। राखी के धागों में भाई बहन के स्नेह की भावना भरी होती है। ये त्योहार प्राचीन समय से चलता आ रहा है। इस दिन भाई बहन के प्यार का कुछ अलग ही एहसास होता है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर पूरी जिंदगी इस रिश्ते को इतने ही प्यार और साहस से निभाने का वचन याद दिलाती है और भाई की दीर्घायु की कामना करती है। रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है या कैसे मनाएं? अगर असल मायने में इसे मनाना है तो इसमें से सबसे पहले लेन देन का व्यवहार खत्म करना चाहिए। साथ ही बहनों को अपने भाई को हर एक नारी की इज्जत करे ये सीख देनी चाहिए। जरूरी है कि व्यवहारिक ज्ञान एवं परंपरा बढ़े, तब ही समाज ऐसे गंदे अपराधों से दूर हो सकेगा। रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाना हम सभी के हाथ में है और आज के युवा वर्ग को इस दिशा में पहला कदम रखने की जरूरत है। इसे एक व्यापार ना बनाकर एक त्योहार ही रहने दे। जरूरत के मुताबिक अपनी बहन की मदद करना सही है, लेकिन बहन को भी सोचने की जरूरत है कि गिफ्ट या पैसे पर ही प्यार नहीं टिका है। जब ये त्योहार इन सब के ऊपर आएगा तो इसकी सुंदरता और भी अधिक निखर जाएगी। कई जगह पर पत्नी अपने पति को राखी बांधती है, पति अपनी पत्नी को रक्षा का वचन देता है। सही मायने में ये त्योहार नारी के प्रति रक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। समाज में नारी की स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि यह त्योहार अपने मूल अस्तित्व से दूर हटता जा रहा है। जरूरत है इस त्योहार के सही मायने को समझे एवं अपने आसपास के सभी लोगों को समझाए। अपने बच्चों को इस लेन देन से हटकर इस त्योहार की परंपरा समझाए, तभी आगे जाकर ये त्योहार अपने ऐतिहासिक मूल को प्राप्त कर सकेगा। त्योहारों के इस देश में रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है जो सदियों से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है और बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। प्रेम और सौहार्द का ये रिश्ता इस पवित्र बंधन को और भी अधिक मजबूत करता है। रक्षाबंधन का आधुनिक महत्व। आज समय के साथ पर्व की शुभता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसका महत्व और बढ़ गया है। आज के सीमित परिवारों में कई बार घर में केवल दो बहनें या दो भाई ही होते हैं। इस स्थिति में वे रक्षाबंधन के त्योहार पर मासूस होते हैं कि वे रक्षाबंधन का पर्व किस प्रकार मनाएंगे, उन्हें कौन राखी बांधेगा या फिर वे किसे राखी बांधेगी। इस प्रकार की स्थिति सामान्य रूप से हमारे आसपास देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल भाई बहन के रिश्तों को ही मजबूती या राखी की आवश्यकता होती है, जबकि बहन का बहन को और भाई का भाई को राखी बांधना एक दूसरे के करीब लाता है, उनके मध्य के मतभेद मिटाता है। आधुनिक युग में समय की कमी ने रिश्तों में एक अलग तरह की दूरी बना दी है, जिसमें एक दूसरे के लिए समय नहीं होता। इसके कारण परिवार के सदस्य भी आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। संप्रेषण की कमी मतभेदों को जन्म देती है और गलतफहमियों को स्थान मिलता है। अगर इस दिन बहन बहन भाई भाई को राखी बांधता है तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटा जा सकता है। ये पर्व सांप्रदायिकता और वर्ग जाति की दीवार को गिराने में भी मुख्य भूमिका निभा सकता है। जरूरत है तो केवल एक कोशिश की। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। रक्षाबंधन को राखी का त्योहार भी कहा जाता है। ये भाई बहन का त्योहार है। ये त्योहार सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देता है। इस दिन घरों में ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन बहनों को भाई उपहार भी देते हैं। महीने भर पहले से ही बाजारों में सुंदर राखियां बिकने लगती है। इस त्योहार को भारत और विदेशों